एक नंबर बाइक है भाई, हाँ। ये बता, यूनिक बाइक में आती है, इसका और कोई मॉडल नहीं है। मोटी ये है 120, 130 तक मैक्सिमम। अच्छा, लेग गार्ड नहीं है। ओके। देखो मेरे तो इसके बैटरी का इशू। अच्छा, तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे सामने खड़ी है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक ब्लैक रंग की। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मतलब रॉयल इनफील्ड पे बनाऊँ, बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कैसा इसका रिव्यू है। तो आज मेरे साथ है हमारे कार्तिक भाई। क्या है कार्तिक भाई, कैसा है भाई? बढ़िया। तो आज कार्तिक भाई इसका एक रिव्यू लेंगे हम छोटा सा, है ना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसी बाइक है, कैसी नहीं, लोगों को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बुलेट की बहुत डिमांड है पता मार्केट में। एक नंबर बाइक है भाई, ये पता है, इसके तो बहुत अच्छे रिव्यू है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये बाइक कब ली थी कार्तिक भाई? भाई इसको हो गया मेरे को 2 साल। दो साल, इट्स अबाउट लाइक इट्स बीन 2 ईयर्स नाउ। 2 साल पहले मैंने ये बाइक लिया था, और मैं उस टाइम ना देख रहा था कि यार मैं बुलेट के अलावा और क्या क्या देख सकता हूँ। बट जब भी बुलेट की बात आती है तो यार रॉयल एनफील्ड है। ठीक है भाई, तो यार अब मैं रॉयल एनफील्ड गया, मैंने ना काफी बाइक्स देखी उस टाइम, मेरा दिल था मीटियोर पे। अच्छा, मीटियोर नहीं, नहीं आई थी बाइक। हाँ। लेकिन पता है क्या भाई, एक स्टेल्थ ब्लैक जब एक कलर होता है ना, और भाई ये यूनिकनेस क्या है, ये यूनिक बाइक में आती है, इसका और कोई मॉडल नहीं है। मॉडल नहीं, सिर्फ एक ही मॉडल आएगी क्लासिक 350 में स्टेल्थ ब्लैक। और भाई इसके अंदर सारे फंक्शंस है अवेलेबल जो हमें हर बाइक में अलग अलग मिल रहे थे। तो मतलब जैसे कि यही वाली क्यों ली, और भी ऑप्शन होते हैं ना हमारे पास क्रूजर में, लाइक बुलेट में 350 हंटर। बिल्कुल, मीटियोर में क्या है भाई, हमारे पास नई नई चीज़ें क्या आ रही थी ना, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आता है। अच्छा। यार इलेक्ट्रॉनिक मीटर में ना कुछ फायदे नहीं होते, कभी कभी क्या होता है यार उसका फुक गया, बैटरी फुक आ रहा है ये। हाँ ठीक है, तो भाई तो वो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती रहती है। ठीक है भाई, तीसरी चीज़ क्या है, अब मीटियोर में ना किक नहीं था भाई। अच्छा, किक नहीं थी उसमें, सेल्फ था। हाँ भाई, उसमें सिर्फ सेल्फ, इसमें तो किक प्रॉपर है, इसमें सब है, हर चीज़ है। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें सारी जितनी भी बाइक्स के बेसिक चीज़ें थी वो हर चीज़ हमें प्रोवाइडेड थी। और इनफैक्ट पता है क्या, जब बुलेट चलती है ना रोड पे तो उसकी तो आवाज लगती है कोई बाइक जा रही है। हाँ रोड पे ये बाइक जा रही है। तो ये कितने की ली थी जब ली थी? था ये मेरे को पड़ी है 251 ऑन रोड पड़ी। 250 ऑन रोड? हाँ भाई, 250 ऑन रोड पड़ी। ओके ठीक है, ये डबल चैनल है, ड्यूल एबीएस है। ठीक है, और भाई कितने इंजन इसका? भाई इसका पड़ जाता है 347 का। 347 सीसी का इंजन है बुलेट में। और ये इसकी टॉप स्पीड क्या है भाई? टॉप स्पीड पता है कितनी खींची है, मतलब इसमें 160 का हमें दे रखा है, बट 160 है नहीं, जाती ये है 120, 130 तक मैक्सिमम। अच्छा, कंपनी जो क्लेम करती है 160 क्लेम करती है, बट जाती है 130 तक। 130 के बाद क्या होता है ना भाई, ये हैवी बाइक है, जब बाइक हैवी होती है ना तो इसकी वाइब्रेशन जो वाइब्रेशन करने लगती है, काफी तेज होने लगती है। अब क्या होता है, उससे तेज राइडर लेके जाए तो बेकार में गिर सकती है, तक भी मैक्सिमम जब आपको बहुत बड़ी। अब भाई हम इसकी बात पे आते हैं, तो अब इनको इसमें 2 टायर मिलते हैं। आगे का टायर क्या सेक्शन है, टायर आगे पीछे के? भाई आगे का टायर का अपना 90x90 का टायर है। ओके ठीक है, और भाई इन्वर्टेड है टायर। ओके, इन्वर्टेड मीन? इन्वर्टेड मतलब जो इसकी ग्रिप है ना वो अंदर की तरफ है। ओके, आगे का टायर समझ गया। अब भाई पीछे का हमारा टायर की बात करते हैं, तो 120x80 का टायर आता है। ठीक है, ये हैवी टायर होता है क्योंकि पूरी बुलेट का वेट बैक टायर पे होता है, तो इसे ना एक्सट्रोवर्टेड टायर बोलते हैं। इसके जो ग्रिप्स होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ताकि आप पीछे जब चले तो आप प्रॉपर पकड़ बना कर चलो। ठीक है, अब ये एक रफनेस और हैवी बाइक होती है, तो इसीलिए 120x80 का टायर मैं सजेस्ट करूँगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये जो बुलेट ने हमें दी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम इसकी बात करते हैं तो माइलेज की, कंपनी कहती है कि इसकी माइलेज आती है 36 तक की, 38 की, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे को देती है एक 30 तक की। मतलब कंपनी जो क्लेम करती है उतना तो कभी देती नहीं कोई सी बाइक, एवरेज कंपनी का। और भाई हाँ, कंपनी ये चाहती है कि तुम 40 से 60 के बीच में चलाओ। हाँ। हम लोग से भाई अब हम राइडिंग करते हैं तो 40 से 60 के बीच में तो नहीं चलती। ठीक है, अब रही बात इसकी टूरिंग की, तो बात करते हुए टूर में काफी सेक्सी बाइक है यार, मजा आता है इसमें बाइक टूरिंग करने में। कहीं पेन वेन कोई इशू ऐसा हुआ? ये रफ बाइक है, इसमें तुम बैठ के आराम से चलाओ, कोई बैक पेन कोई कुछ नहीं। ठीक है, अब यार देखो हम बुली की बात करते हैं तो भाई देखो फायदा नहीं है, बैक सीटर हमेशा बुलेट एक सिंगल सीटर बाइक रही है, ये तो है। ठीक है, बैक सीटर रखना कोई फायदा नहीं है। हाँ घर पे जाते हो, घर है, फैमिली है, तो एक टाइम पे समझ आता है, बट राइडिंग में ओनली सिंगल सीटिंग राइडिंग करो, बैक सीटर राइड है तो रखो ही मत, बैक पे सपोर्ट रखो जो आपकी बाइक के अपने साथ चलेगा, चले। कपड़ा वपड़ा बस, दैट्स ऑल, एक राइडिंग करो, सिंगल करो बस। तो अभी तक कहीं रॉन्ग टूर मारा नहीं मारा है भाई? अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ नारकंडा तक गया हूँ। अच्छा, कितने किलोमीटर का है यहाँ से? अपन पहले शिमला जाते हैं, शिमला से 70 किलोमीटर, मतलब है लॉन्ग टूर है मतलब। तो उसमें कहीं उस बीच कहीं दौरान कोई इशू आया बाइक में? भाई बिल्कुल नहीं, बाइक ने अपना फुल सपोर्ट दिया। बाइक भाई मैं जैसे कि बताया, बाइक इतनी चिपक के चलती है ना, मेरे को माइलेज भी काफ़ी सेक्सी लगा, मेरे पे बजट भी सेक्सी था, और भाई कैंपिंग करने के टाइम बुलेट काफ़ी सेक्सी बाइक है। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके साथ एक बुलेट है, आपके पास एक सपोर्ट है, घबराहट नहीं है कि क्या सही है, हर चीज़ बाइक सेक्सी है, मज़ा आता है। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब इस बाइक को, जैसे आज के यूथ है वो स्पोर्ट्स बाइक पे जाते हैं, नेकेड जाते हैं? मैंने दोनों चलाई है, मैंने स्पोर्ट भी चलाई है, मेरे पास दोस्त के पास KTM है। ठीक है, RC चलाता है भाई रवि के पास, इसकी कितनी चलाई है। ठीक है, तो यार मैंने स्पोर्ट्स भी चलाई है, मैंने नेकेड बाइक्स भी काफ़ी चलाई है, नेकेड में डोमिनार चलाई है, NS चलाई है,
बट यार पता है इन सब में मेरे को एक चीज़ फील हुआ है कि जो बॉडी की हम बात करते हैं ना, मैं एक रफ राइडर हूँ, मेरे को पसंद है थोड़ी हैवी काइंड ऑफ बॉडी। अब यार वो बाइक्स ना बहुत हल्की हैं, पता है जिस तरीके से मैं चाहता हूँ बाइक ना चले वो काफ़ी हवा में उड़ने लगते हैं यार। वो स्पोर्ट नेकेड बाइक है ना, जब वो टॉप स्पीड पे जाती है ना तो उसमें टायर ना चिपक के नहीं चलते उन बाइकों के। भाई देखो मैं रेसिंग तो करनी नहीं, मेरे को राइडिंग करनी है। राइडिंग के रेसिंग राइडिंग काफी डिफरेंट होता है। हां मजा आता है यार। तो आज की यूथ को सजेस्ट करूंगा ये ले वो भाई, गुड बाइक। अच्छा एडीएम क्लासिक या कुछ इसके डिसएडवांटेज जो मतलब आपको लगते हैं कि मतलब ये प्रॉपर ठीक नहीं है, कुछ और इसके बदले होने चाहिए, अपडेट होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो होता है ना कुछ बाइकों में यार। ऑफ कोर्स यार ग्राउंड क्लियरेंस लाइक हो गया, जैसे बुलेट की बात ना करता हूँ ना, तो देखो यार मैंने इसमें वो नहीं लगा रखा, पहली बात मेरे पास लेग गार्ड नहीं है। देखो मेरे को क्या है, अब मेरे को राइडिंग पसंद है विदाउट लेग गार्ड की, क्योंकि मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो एक टाइप का ना वो भी बॉडी में क्रिएशन करता है, हर चीज़ लाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो इसके बैटरी का इशू। अच्छा बैटरी का इशू है थोड़ा बहुत, पानी क्या होता है ना। हाँ। अभी क्या होता है जैसे कि रफ बारिश हो गया, अंदर चला गया तो कभी कभी कुछ वायरिंग में पानी चला। अच्छा। गया तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, हो जाता है, कभी कभार इशू देती है, स्टार्ट होने में थोड़ी दिक्कत देगी, लेकिन हाँ स्टार्ट होने के बाद रुकती नहीं। ओके तो और कुछ ऐसा मेजर पॉइंट जो कि लगता हो आपको? यार मैं ये कहूँगा कि अगर बुलेट का रखना है ना तो हम इसका टैंक और बड़ा रख सकते हैं। टैंक 13 लीटर बहुत कम है, 13-14 लीटर आपके हिसाब से ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? यार देखो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा ये बाइक लेनी चाहिए, अच्छी बाइक है, मज़ा आता है इसको चलाने। तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपने शेयर करा मेरे को? तो गाइस आज की वीडियो में ही था, आज इस बाइक का रॉयल एनफील्ड का रिव्यू लिया है जो कि मैं कार्तिक भाई ने दिया है, अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया। मैं भी एक टेस्ट राइड लूंगा, वो भी वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी आपकी। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो का इसलिए कमेंट जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना जिससे आने वाली वीडियो में सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जागे रहे, तंदुरुस्त रहे।